हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मिश्रा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। विद्या प्रकाशन ने एक अनूठी पहल प्रारंभ की है जिसमें यूपी बोर्ड के क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जिसको मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत बेनिफिट देंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी हैं, साथ में संख्यात्मक प्रश्नों का भी समावेश है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, देखिए क्वेश्चन है, दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश क्यू और क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा गया है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो क्यू का मान क्या होगा? हम मान सकते हैं ये ए है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी ए है। संपूर्ण निकाय संतुलन में, इसका मतलब प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात इस पर तो शून्य होगा ही होगा, बिकॉज ये दोनों, ये डिस्टेंस इक्वल है। जितना बल ये इस आवेश पर लगाएगा उतना ही ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, परिणामी कितना है इसका? शून्य है। तो मध्य आवेश तो संतुलन में है। हम चेक कर रहे हैं इस आवेश को कि यह आवेश संतुलन में है या नहीं है, तो इस पर भी परिणामी बल शून्य होना चाहिए। अर्थात यह आवेश इस पर बल कितना लगाएगा? सपोज ये F1 और यह आवेश इस पर कितना लगाएगा? यह F2 है। लेकिन एक प्रश्न सामने आता है कि यदि ये दोनों धनावेश हैं, ये भी आवेश धन है, ये भी आवेश धन है, ये आवेश इस पर बल क्या लगाएगा? बाहर लगाएगा। यदि ये प्लस है तो ये भी बाहर लगाएगा, तो परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता। इसका मतलब इस आवेश को ऋणात्मक होना पड़ेगा। इस आवेश ने इस पर बल लगाया बाहर प्रतिकर्षण बल, तो ये उतना ही क्या लगाए? इस आवेश पर आकर्षण बल लगाए, तभी परिणामी बल शून्य हो सकता है, अर्थात मध्य आवेश ऋणात्मक होगा। तो माइनस क्यू आवेश, सॉरी, ये क्यू आवेश संतुलन में होगा कब? जब F1 इज इक्वल टू F2 होगा। F1 जो इस आवेश ने इस पर बल लगाया है, तो कितना होगा? के क्यू क्यू अपॉन ये भी ए, ये भी ए, ये कितना हो गया? 2a, 2a होल स्क्वायर। और इस आवेश ने जो बल लगाया है इस पर, के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। क्यू डैश है इसकी वैल्यू, ये क्यू डैश है, तो इसका के क्यू क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, इसका के क्यू डैश क्यू अपॉन ए स्क्वायर। के क्यू कैंसिल हो गए, तो के क्यू क्यू अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डैश क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के क्यू से के क्यू कैंसिल, तो क्यू डैश कितना आ गया आपका आंसर? q/4। और ये ऑब्वियस है, नेगेटिव है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? क्यू डैश इज इक्वल टू -q/4। यदि दोनों ऋणात्मक होते तो ये धनात्मक होता, तभी निकाय संतुलन में हो सकता है। अब इस पर भी परिणामी आवेश, परिणामी बल शून्य, इस पर भी शून्य और इस पर भी शून्य होगा, तो पूरा निकाय क्या है? संतुलन में है। यदि केवल इस आवेश के संतुलन की बात करता तो केवल इस पर परिणामी बल शून्य दिखाते हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किसी आवेश के संतुलन की बात पूछ रहा है या किसी निकाय के संतुलन की बात पूछ रहा है, दोनों बातों में अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर क्यू आवेश रखे हैं, यह एक वर्ग है, इसके विपरीत कोनों पर क्यू आवेश रखे हैं, एक क्यू ये है और एक क्यू ये है। दूसरे दो विपरीत कोनों पर आवेश क्यू है, ये भी क्यू और ये भी क्यू। यदि किसी क्यू पर नेट बल शून्य हो तो आपसे वैल्यू पूछी है क्यू अपॉन क्यू की, तो क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू क्या होगी? बल किस पर शून्य है? किसी क्यू पर नेट बल शून्य है। आप इसकी जो साइड से जो भुजाएं हैं उसको ए मान सकते हैं, और बोल रहा है कि आवेश इस पर मान लेते हैं नेट बल शून्य है, तो क्यू अपॉन क्यू बराबर होगा। देखिए ये आवेश इस पर बल कहां लगाएगा? बाहर। ये आवेश कहां लगाएगा? बाहर।
ये आवेश कहां लगाएगा? बाहर। तो परिणामी तो शून्य हो नहीं सकता। इसका मतलब इस आवेश को ऋणात्मक होना ही पड़ेगा, या ये ऋणात्मक ना हो कहीं धनात्मक हो, और ये दोनों क्या हो? ऋणात्मक हो। तो देखिए इस आवेश ने इस पर बल कहां लगाया? ये लगाया। इसे F मान लू और F की वैल्यू क्या मान लू? के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर है। इस आवेश ने इस पर बल क्या लगाया? ये भी F लगाया। देखिए चलिए चलिए कोई बात नहीं, ये q q अपॉन ए स्क्वायर हुआ ना, q q अपॉन ए स्क्वायर, ये भी q q अपॉन ए स्क्वायर। अब ये आवेश इस पर बल कहां लगाएगा? ये ऋणात्मक है धनात्मक है, क्या लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा। इसे f डैश मान लिया। देखो ये प्लस बाहर, ये प्लस बाहर, यदि ये भी प्लस होता तो परिणामी बल शून्य हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इट शुड बी नेगेटिव, इसे ऋणात्मक होना ही पड़ेगा। तो इसका बल कितना आ गया? इधर आ गया। अब F और F इक्वल है, आप जानते हैं कितना आएगा परिणामी? F रूट टू आएगा। आपको पता है ना परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू या F डबल डैश इज इक्वल टू अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस टू एफ एफ कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एफ रूट टू आएगा। यदि एंगल 90 होता है तो एफ रूट टू आता है। और एफ डैश कितना हो गया बच्चों? एफ डैश हो गया के क्यू क्यू अपॉन ये ए ये ए, ये कितना आ गया? ए रूट टू। तो कितना आ गया? ए रूट टू का क्या? होल स्क्वायर। तो ये आ गया के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू टू। तो आवेश Q पर नेट बल शून्य है, तो इसका मतलब F रूट टू किसके इक्वल हो? F डैश के इक्वल हो। F कितना है हमारा? K Q Q अपॉन ए स्क्वायर रूट टू, और F डैश कितना है? K Q Q अपॉन टू ए स्क्वायर। अब देखिए K Q यहां क्या बचा? Q रूट टू। K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो Q रूट टू इज इक्वल टू Q अपॉन टू। आपसे वैल्यू पूछिए Q अपॉन Q की, वैल्यू क्या आ गई? टू रूट टू। आप आंसर में क्या देंगे? क्योंकि एक नेगेटिव है हमारा Q और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपका आंसर क्या आएगा? Q अपॉन Q इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, एंड दैट इज द आंसर। एंड दैट इज द आंसर। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर ही होगा, आप सब इंटरेक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको साइन का ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चा इसका आंसर टू रूट टू ऑप्शन होता है तो टू रूट टू इसको मार्क कर देता है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ये यदि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो क्यू अपॉन क्यू का रेशियो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा ही आएगा, धनात्मक आ ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल F है, एक सपोज Q1 ले लो एक Q2 ले लो, डिस्टेंस R मान लो, बल कितना है? F है। यदि इन आवेशों को उतनी दूरी पर जल, इसका K कितना दिया आपको? 80 दिया है, मैं रख दिया जाए तो उनके बीच बल कितना रहेगा? देखिए इस समय बल कितना है? F इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किस में है? एयर में है। और किसी माध्यम में जब आपने जल भर दिया इनके आवेशों के बीच, तो F डैश कितना आ गया? 1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट K। यही फॉर्मूला होता है जब आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम होता है, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यदि F अपॉन F डैश करेंगे तो F अपॉन F डैश करने पर कितना आएगा? 1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट K
q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, सब कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? f अपॉन f डैश इज इक्वल टू k, या f डैश कितना आ गया f अपॉन k, k की वैल्यू कितनी है 80। तो अब उन आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल कितना रह गया, f by 80, अर्थात आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब भी आवेशों के बीच के परावर्तित माध्यम भरते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाले बल का मान कम हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप बताइए। देखिए यदि क्वेश्चन डिटेल में आ रहा है, ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, यदि 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का, तो पूरा डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बिकॉज ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये Q1, ये Q2, डिस्टेंस R, ये बल किस पर लग रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2। ये बल किस पर लग रहा है, 2 पर, कौन लगा रहा है, 1। ठीक, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, आप सिंपल फॉर्म में जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये अदिश रूप में है, हमें निकालना है सदिश रूप में इसको। तो वेक्टर F 1-2 यदि लेता हूं, तो F वेक्टर F 1-2 इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ गई, कैप R21। डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, F12 यही है ना। और आप एक बात जानते हैं, कैप R इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, वेक्टर R अपॉन R। कैप R का मतलब एकांक सदिश है, इसका परिमाण क्या है, 1 है, और दिशा वही है जो वेक्टर R की है। तो ये केवल दिशा को दिखा रहा है, इसका परिमाण कैप लग गया तो कितना है, 1 है। तो यहां से कितना हो गया, वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैप R कितना आ गया, वेक्टर R21 अपॉन R, R तो R ही है, डिस्टेंस ही है ये। तो वेक्टर F12 कितना आ गया, आप केवल कैप R भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³। डायरेक्शन क्या आ गई, वेक्टर R21। जैसे आपने वेक्टर F12 निकाला है, ऐसे आप वेक्टर F21 निकाल सकते हैं। केवल F21 में डिफरेंस क्या आएगा, वेक्टर F21 सब कुछ यही होगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³। ये क्या आ गया, वेक्टर R12। डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ। ये क्या है, सदिश रूप है कूलम्ब के नियम का। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और सिंपल आपसे बहुत शॉर्ट पूछता है ना, तो आप सिंपल ये लिख सकते हो डायरेक्ट, वेक्टर F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R³ वेक्टर R, बस 1 मार्क्स में केवल आप इतना लिखेंगे, पूरा पूछता है तो आप पूरा डिटेल में लिखेंगे उसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2 पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के निकट और समांतर हैं। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये है। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठघनत्व के परिमाण, मतलब एक पर क्या है प्लस सिग्मा और एक पर कितना है माइनस सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू आपको दी है 17.7 × 10⁻²⁰ कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं सिग्मा क्यू अपॉन ए होता है, आवेश और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो देखिए प्लस की वजह से क्या होगा, बाहर होगा, माइनस की वजह क्षेत्र क्या होगा, अंदर होगा। प्लस की वजह से बाहर होता है, माइनस की वजह से अंदर होता है।
तो नेट ई कितना आ गया, नेट ई आ गया आपका E1 प्लस E2, कितना आ गया, ये कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, ये ई कितना आ गया 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नॉट, ये ई कितना आ गया सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। हम वैल्यूज पुट करते हैं, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी आपको 17.7 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 22, और ये कितना है 8.85 इंटू 10 रेज पर माइनस 12, टू टाइम्स आएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 22 प्लस 12, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम्ब। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है आपको, एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई दे रखा है आपको, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए दे रखा है आपको, वैसे तो दे रखा है ए आपको 8j कैप मीटर स्क्वायर, लेकिन आप यहां इसको कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे आप, वेक्टर ए को लिखेंगे 0i कैप प्लस 8j कैप प्लस 0k कैप। ठीक, आपसे फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो फाई कितना आ गया ई डॉट ए, 2 × 0 = 0, 3 × 8 = 24, जे कैप जे 1 हो जाएगा, माइनस 4 × 0 = 0, k कैप, नहीं ये तो 1 ही हो जाएगा, k कैप क्यों होगा, ये भी 0 और ये भी 0, k कैप के तो 1 होता है ना, तो आपका आंसर क्या आ गया phi इज इक्वल टू 24, और यूनिट e के लिए क्या है न्यूटन पर कूलम्ब, और इसके लिए क्या मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर, ये आपका phi हो गया। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता E का विमीय समीकरण निकालिए। देखिए F इज इक्वल टू कितना होता है हमारा आवेशों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल, 1/4πε₀Q1Q2/r2। आपको एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका विमीय समीकरण निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4πf₀Q1Q2/r2, इसका निकालना है, इसके लिए क्या कूलम्ब 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 स्क्वायर, 4 पाई के लिए कुछ नहीं होता, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप जानते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्या होता है एम्पियर सेकेंड, हो गया एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये निकालते हैं इसका विमीय सूत्र, एम्पियर के लिए ए स्क्वायर, टी स्क्वायर, ये क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और ये क्या होता है एल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा एम माइनस वन, एल थ्री है, एल माइनस थ्री, टी फोर ए टू,
एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी माइनस फोर ए टू, दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान, एम कितना है 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है ना, एन कितना है ई, 3 ही आवेश है, को संतुलित कर सके। तो देखिए यदि ये आवेशित बूंद संतुलित है तो इसका भार तो एम जी नीचे ही काम करेगा, हमेशा भार नीचे काम करता है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र में है तो वैद्युत बल कहां काम करेगा, ऊपर काम करेगा, क्यू ई कैसे काम करेगा, क्यू ई ऐसे काम करेगा, और यदि संतुलित है तो क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। आपसे पूछा क्या है, ई का मान पूछा है आपसे, तो ई कितना आ गया बच्चों, एम जी अपॉन क्यू, ये कितना आ गया 0.001 इंटू 10^-6 के जी में लिख रहा हूं मैं, जी वैसे आपको 9.8 लेना चाहिए, यदि नहीं दिया है तो, और दिया है तभी 10 लेते हैं, और Q कितना हो गया 3 इंटू ई, ई कितना आ गया 1.6 इंटू 10^-19। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, और वैसे भी ध्यान रखना 1/1.6 इंटू 10^-19 की जो वैल्यू आती है वो 6.25 × 10^18 आती है। तो सिंप्लीफाई करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे, और इसका आंसर आ रहा है 2.04 × 10^10 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय।